लिमरा न्यूज, हम दिखाते हैं सच। देश प्रदेश की सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए लिमरा न्यूज। अधीर रंजन चौधरी जी ने माफी मांग ली, वो भी लिखित माफी मांग ली। कह रहे हैं कि स्लिप ऑफ टंग, जबान फिसल गई, झूठ बोल रहे हैं, जानबूझकर यह बयान दिया गया। मेरी बात से बहुत से कांग्रेसी भी सहमत होंगे, वो भी जानते हैं कि जानबूझ के बयान दिया गया, कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं है। मैं आप तमाम देश के लोगों को एक घटनाक्रम की तरफ ले जाना चाहता हूं। 5-7 दिन में अभी एक देश में मुद्दा उठा, एक स्टेट गुजरात जहां कई दशकों से शराब प्रतिबंधित, उस स्टेट में 50 से ज्यादा लोग जहरीली शराब पीकर मर गए। एक सांसद ने पुरजोर ताकत के साथ तरीके से संसद में इस मुद्दे को उठाया, सरकार सवालों से घिर गई, ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जवाब, ना स्टेट गवर्नमेंट के पास जवाब, सरकार बैकफुट पर आ गई, पूरे देश में हाहाकार मच गया। फिर एक मुद्दा विपक्ष के हाथ आया, सरकार की एक ताकतवर मंत्री, उनकी बेटी पर विपक्ष ने आरोप लगाया कि वो गोवा में एक रेस्टोरेंट चलाती हैं, उसमें क्या बनाती हैं, क्या बेचती हैं, क्या खिलाती हैं। मंत्री जी के पास भी जवाब नहीं, मंत्री जी भी बैकफुट पर, कोई जवाब नहीं सरकार के पास, सरकार घिर गई, सरकार बैकफुट पर। विपक्ष कहने लगा सरकार माफी मांगे। फिर विपक्ष ने एक मुद्दा उठाया महंगाई का, विपक्ष महंगाई पर बहस चाहती थी, सरकार बहस नहीं चाहती थी, विपक्ष सरकार को घेरे हुए थी, सरकार बैकफुट पर थी। तभी अधीर रंजन चौधरी साहब का स्लिप ऑफ टंग होता है। क्या होता है? स्लिप ऑफ टंग। और एकदम से घटनाक्रम बदल गया। जो सरकार की मंत्री जी बैकफुट पर थी, वो एकदम से हावी हो गई, सरकार फ्रंट फुट पर आ गई, विपक्ष और विपक्ष के नेता बैकफुट पर। पहले विपक्ष सरकार से कह रहा था माफी मांगो, अब सरकार विपक्ष से कह रही है तुम माफी मांगो देश से। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं स्लिप ऑफ टंग। अधीर रंजन जी, किसके कहने पर आपने बयान दिया है ये पूरा देश जानता है, पॉलिटिकल लोग भी जानते हैं, नॉन